लेकिन उम्मत कर से कहीं कम दुख भी कृष्ण कन्हैया के नहीं होलक। जाए तो चल गए लेकिन उनके भी मथुरा नहीं सोहात है। वो चाहत है कि हमके वृंदावन और गोकुल चाहिए। कांदे लागल है कन्हैया। उद्धव उनकर से पूछे लागल है कि कन्हैया का बात है कि आज अपने कांदे लागल ही। चूंकि भगवान कभी नहीं काइंड है लेकिन आज कन्हैया कांदा था। या केकर चलते कांदा था, वृंदावन कर चलते, गोकुल कर चलते। तब उद्धव से कहना है कि उद्धव हमके बहुत जोर वृंदावन और गोकुल याद लागत है। ब्रज कर गोपी गोपी याद लागत है, राधिका याद लागत है, नंद बाबा याद लागत है, जसुमती माई याद लागत है। हम कहीं अच्छा नहीं लागत है। कादे ने उम्र काते रहे हुआ से अपने जाओ और तनी उम्र कर खोज खबर लेके आओ। उद्धव जी मथुरा गए वृंदावन गए और राधा से पूछे लागल है कि अपने मन कन्हैया कर आसरा छोड़ दो, कन्हैया आवे वाला नहीं है। अपने मन बिल्कुल जोग और तप के सीखूं जेकर से अपने मन के मुक्ति मिली। राधिका जी कहे लागल है कि मुक्त हो चाहत है, हमरे के सिर्फ कन्हैया चाही और हमरे के जो पर तक हमरे मन के सीखे का जरूरी नखे। उद्धव जी कहे लागल है कि जवानी कर धे आनंद पावे है, पीड़ा पावे नहीं है। अब जहाँ पीड़ा है वहाँ आनंद कहाँ है? तब राधिका जी जवाब दिलाए कि जहाँ पीड़ा है हुए आनंद है। देखो तो एक माँ के ध्यान दे के सुना भी बात के, देखो तो एक माँ के कि एक पुत्र के जन्म देवे में संसार कर हर स्त्री के कितना असह्य पीड़ा हो रहा कि उस पीड़ा के पावे के लिए संसार कर हर स्त्री ललायित रहे। ओहे हाल एक प्रेमिका कर है और रोजे कहिला कि प्रेम ना करूं, हमरे मन का सिर्फ प्रेम जो सीखे का है इकर अलावे और कोई जोग अगर सिखाए का ही तो कन्हैया कर बहुत वैसा चेला चुटिया हो जे कि आपने जाए के सीखो हमरे मन के ना सीखो। यह प्रसंग में राधिका जी है उद्धव से कहे लागल है।